वाराणसी में मोदी के कार्यक्रम में खलल पड़ने से बेफरी बीजेपी, वाराणसी और दिल्ली में धरना प्रदर्शन। जिला प्रशासन से नाराज बीजेपी का आज वाराणसी में विरोध प्रदर्शन। बीएचयू के बाहर जेटली और अमित शाह धरने पर बैठेंगे। लंका गेट पर मैं, मेरे साथ श्री अमित शाह, श्री अनंत कुमार और श्री वाजपेयी जी हमारे अध्यक्ष, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे और सत्याग्रह करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले से बौखलाई बीजेपी ने रद्द किए शहर में मोदी के सभी कार्यक्रम, सिर्फ रोहिणिया में होगी मोदी की रैली। वाराणसी शहर में मोदी के कार्यक्रम रद्द होने से अमित शाह भी खासे नाराज, चुनाव अधिकारी को हटाने की मांग की। अमित शाह ने पूछा किसके इशारे पर काम कर रहे हैं डीएम, बोले अगर सुरक्षा को लेकर कोई खुफिया रिपोर्ट है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। ये बात फिर से एक बार सिद्ध करती है कि प्रशासन शरारत कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वाराणसी के डीएम ने कहा सुरक्षा कारणों से रोकी बेनियाबाग में रैली, बीजेपी की 5 में से 4 कार्यक्रमों को अनुमति। अनुमतियां अभी 5:20 पे आई हैं और लेस देन 4 आवर्स में 9 बजे अनुमति हैज बीन डन, लेस देन 4 आवर्स। बनारस में मोदी के कार्यक्रम रद्द होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, डीएम दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी। बीजेपी के आरोपों से नाखुश चुनाव आयोग, जेटली को लिखी चिट्ठी में कहा जांच का भरोसा देने के बाद भी धरने का फैसला। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग का बयान, सारे तथ्यों की हो रही है जांच, अगर कोई अफसर गलत हुआ तो होगी कार्रवाई। सियासी घमासान के बीच आज बनारस जाएंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, रोहिणिया में करेंगे चुनावी रैली। दोपहर 2:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मोदी, रोहिणिया में चुनावी रैली के बाद करेंगे रोड शो, बाद में बीजेपी दफ्तर जाएंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। बनारस जाने से पहले मोदी की आज यूपी के 3 शहरों में चुनावी रैली, आजमगढ़ में पहली चुनावी सभा। आजमगढ़ के बाद मोदी की लालगंज में चुनावी सभा, यूपी के चंदौली में भी मोदी की चुनावी रैली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज बिहार और बंगाल में रैली, 3 जगहों पर चुनावी सभाएं। केजरीवाल ने अपने फेसबुक पर जारी की तस्वीर, अमेठी में बूथ के अंदर दिख रहे हैं राहुल गांधी। तस्वीर में ईवीएम मशीन के पास खड़े दिख रहे हैं राहुल गांधी, पास में एक शख्स भी मौजूद। केजरीवाल ने लिखा मुझे आश्चर्य हो रहा है, अगर किसी दूसरे उम्मीदवार ने ऐसा किया होता तो किस तरह रिएक्ट करता आयोग। पहली बार मतदान के दिन अमेठी पहुंचे थे राहुल गांधी, सुबह से मतदान केंद्रों का घूम घूम कर ले रहे थे जायजा। अमेठी में एक पोलिंग बूथ पर स्मृति ईरानी और प्रियंका वाड्रा की सेक्रेटरी प्रीति सहाय के बीच हुई थी नोकझोंक, स्मृति के विरोध जताने पर प्रीति को वहां से जाना पड़ा था। मोदी के हमले का ममता ने दिया जवाब, कहा मैं चाहती तो बंगाल की धरती पर कदम नहीं रखने देती। बुधवार को बंगाल में अपनी रैली में मोदी ने कहा था मुझ पे बहुत गुस्सा है दीदी, आपके राज्य में आया हूं, मुझे जेल में डाल दीजिए। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को राजनाथ ने दिया था मोदी सीन का नाम, कहा जिस तरह सरदर्द के लिए एनासिन, बुखार के लिए क्रोसिन, उस तरह देश की बीमारी ठीक करने के लिए मोदी सीन। ठीक करे बदे एनासिन, बुखार शरीर का ठीक करे बदे क्रोसिन तो हम लोग ले ला, वैसे ही हमें के मोदी सीन तैयार कर।
यूपी के गोरखपुर में चुनावी सभा में अखिलेश ने फिर मोदी पर साधा निशाना, गुजरात मॉडल पर उठाए सवाल। अदालत तक पहुंचा राजनीति का नीच कांड, बिहार के दरभंगा की अदालत में प्रियंका के खिलाफ मामला दर्ज। प्रियंका ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी पर की थी टिप्पणी, कहा था उनकी नीच राजनीति का जनता देगी जवाब। आठवें दौर में भी हुआ सुपर मतदान, पश्चिम बंगाल में 81% से ज्यादा पड़े वोट, सीमांध्र में 76% मतदान। आठवें चरण में यूपी की 15 सीटों पर 55% से ज्यादा वोटिंग, अमेठी में 54% से ज्यादा मतदान, बिहार में 58% वोटिंग। उत्तराखंड में 62%, हिमाचल में 65% वोटिंग, जम्मू कश्मीर में करीब 50% वोटिंग। आईपीएल सीजन 7 में पंजाब का दबदबा बरकरार, ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी पारी के बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से दी करारी मात। कटक में खेले गए मुकाबले में मैक्सवेल की धुआंधार पारी, 38 गेंदों पर बनाए तूफानी 90 रन, पंजाब ने खड़ा किया 231 का पहाड़ सा लक्ष्य। 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 187 रन ही बना सका चेन्नई सुपर किंग्स, ड्यूप्लेसी ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में दिल्ली को फिर मिली करारी हार, कोलकाता ने 8 विकेट से दी मात। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला, रात 8 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक घर में लगी आग से 3 की मौत, घर के मालिक टेनिस खिलाड़ी जेम्स ब्लेक हादसे के समय घर में नहीं। मिलियन डॉलर में बने टैम्पा बे होम में आग लगने से हड़कंप, आग की वजहों का अभी पता नहीं। बुधवार को थाईलैंड में भूकंप से हड़कंप, 1 की मौत, 23 घायल, रिक्टर स्केल 6.3 आंकी गई तीव्रता। 60 सालों में थाईलैंड में भूकंप का यह सबसे तेज झटका, लोगों में अभी दहशत। स्विट्जरलैंड में अनोखे पीले हीरे की अगले हफ्ते नीलामी, 100 कैरेट के इस नायाब हीरे से नीलामी में $25 मिलियन मिलने की उम्मीद है।